सपने देखने वाली बहू। गुप्ता जी की बहू अंजलि को सपने बहुत आते थे। एक दिन सुबह सुबह जब अंजलि सोकर उठी, सासू माँ जानती हैं क्या होने वाला है? अरे क्या हुआ, फिर से कोई नया सपना देख लिया क्या? हाँ सासू माँ, बहुत जोर से बरसात आने वाली है। आज कोई कपड़े मत धोना, सूख नहीं पाएंगे। अरे बहू, बाहर तो इतनी तेज धूप निकली पड़ी है, तुमको कहाँ बारिश नजर आ रही है? अरे मम्मी जी, मैंने सपने में देखा था, बहुत जोर से बारिश होने वाली है, इसलिए बस आज कोई कपड़े नहीं धुलेंगे। अरे लेकिन इससे पहले भी तो कितनी बार तुझे सपने आए हैं, कभी कुछ सच भी होता है क्या? मम्मी जी आप भी ना, सपनों पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा। अंजलि की सास उसकी कोई बात नहीं मानती, लेकिन उस दिन वाकई में शाम होते होते घने बादल आ जाते हैं और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। अंजलि, आज तो तुम्हारा सपना सच हो गया। बहू, आज तो तुमने सपने में बारिश देखी थी ना, और देखो सच में बारिश हो गई। लगता है अगली बार से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो हर बार ही मम्मी जी से कहती हूँ, मेरे सपने सच हो जाते हैं, बस भरोसा रखिए। कुछ दिनों के बाद, अच्छी सुनते हैं, मुझे ना सपना आया था, और सपने में मैंने देखा कि आपकी पूरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे कभी कभी सपना सच होना सही बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अंजलि, और वैसे भी लॉटरी लगने ही वाली है तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ हम वो बड़ा सा घर खरीदने वाले थे ना, आज ही चलकर उसको फाइनल कराते हैं। अरे वाह वाह, हाथ में पैसा नहीं और बड़ा घर खरीदना है। अरे मम्मी जी, बताया ना आपको, मुझे सपना आया था कि हम 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। देखो बेटा, ये पैसों का मामला है, इसमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और जब तुम्हारा सपना सच हो जाए तब तुम घर खरीद लेना। मम्मी पापा ठीक है अंजलि, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए, और आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों में तो पैसे आने ही वाले हैं लॉटरी से। हाँ तो जब पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे ना। पर हमारी अंजलि खाना पीना छोड़कर जिद पकड़कर बैठ जाती है। आखिर मजबूर होकर अंजलि के पति को उस घर को बुक कराने के पैसे देने पड़ते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अंजलि के पति की कोई लॉटरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, तुम्हारे सपने के चक्कर में तो सब खराब हो गया अंजलि, ना लॉटरी लगी, ऊपर से बेकार में ही सारी जमा पूंजी उस घर को खरीदने में खर्च हो गई। थोड़े दिन तो इंतजार करो, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज सपना आया और कल आपकी लॉटरी लग गई। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी को तो हर सपने पर विश्वास करने की आदत पड़ गई है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ दिनों के बाद अचानक से अंजलि के पति के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे वाह अंजलि, ये तो कमाल हो गया, मेरे तो सच में लॉटरी लगी, अरे भगवान भला करे तुम्हारा। हाँ हाँ बहू, अब तो तुम जो कहोगी हम वो सब बात मानेंगे, तुम्हारे सपने का मतलब तो पूरा का पूरा सच होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो बेकार में ही बहू को उल्टा सीधा सुनाती थी, अरे इसके सपने तो वाकई में सही हो जाते हैं। अपने घर वालों की बात सुनकर अंजलि मन ही मन बहुत इतराती है, उसे लगता है कि अब वो जो भी सपना देखेगी सच हो जाएगा। और इसी चक्कर में एक दिन अंजलि को सपना आता है कि अचानक उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। यही सोचकर अंजलि अपनी सास को कहकर बहुत सारा खाना पहले से ही बनाकर रख लेती है। सुबह से शाम हो जाती है। हमने इतना सारा खाना बना लिया लेकिन हमारे घर तो कोई मेहमान आया ही नहीं। हाँ मम्मी जी, अब तो रात होने आई है, लगता है ये खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। गुप्ता जी का परिवार पूरे 2 दिन तक उस खाने को खाकर खत्म करता है, लेकिन अंजलि की अपने सपनों पर भरोसा करने की आदत इतनी जल्दी छूटने वाली कहाँ थी। एक दिन अंजलि की सास अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए कहती है, अरे अंजलि बहू, मैं जरा 2 दिन के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ, देखो तुम पीछे से घर को अच्छी तरह संभाल लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। बहू वैसे तो तुम सब कुछ बहुत अच्छे से ही करती हो, लेकिन देखो ये जरा ना सपनों पर भरोसा थोड़ा कम किया करो बेटा। क्या मम्मी जी, मेरे इतने सारे सपने तो सच हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको शक ही रहता है हमेशा। अरे बेटा कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा इन बातों पर भरोसा करना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए।
ठीक है मम्मी जी, समझ गई। अब आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगी। अंजलि की सास बुआ जी के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अंजलि एक दिन सुबह सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बहू सब ठीक तो है ना? क्या कोई बुरा सपना देखा? अरे पापा जी क्या बताओ, मम्मी जी नहीं रही, बाप सब कुछ छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? अरे क्या मतलब है, वो तो अपनी बुआ जी के घर गई है ना। पापा जी, सासू माँ बुआ जी के घर नहीं, भगवान जी के घर गई है। अरे अंजलि, सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो? बुआ के घर गई है, कुछ नहीं हुआ है उनको। मैंने सपने में देखा था, मम्मी जी भगवान को प्यारी हो गई है। अंजलि का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो भी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि अंजलि की सास की मौत हो गई। भगवान, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया। मैं तो कहती हूँ पापा जी, इनको बुआ जी के घर जाकर मम्मी जी की डेड बॉडी को ले आना चाहिए, तब तक हम उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। अंजलि का पति अंजलि की बात सुनकर बुआ जी के घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर अंजलि अपनी सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर लेती है। मोहल्ले के सारे लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बुरा हुआ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, बुआ जी के घर गई थी। अरे हमको क्या पता था कि भगवान जी के घर जा रही है। अंजलि ने अपनी सास की तस्वीर पर हार पहनाकर घर के बीचों बीच रख दिया। सब लोग आकर गुप्ता परिवार को सांत्वना दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि का पति घर आता है और साथ में अपनी माँ को भी ले आता है। अरे बहू, मेरी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? सब लोग अंजलि की सास को देखकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। ये तो मेरी बीवी के सपने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी माँ को मरा हुआ समझ लिया। बहू सपने देखना ठीक है, पर अपनी जिंदा सास का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ी गलती। इसके बाद अंजलि की अपने सपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत हमेशा के लिए सुधर जाती है।